नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सिवनी जिले के आदिवासी थाना क्षेत्र आदे गांव के ग्राम अटारी में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पर जीजा द्वारा अपनी साली को 40,000 रुपए में बेच देने की शर्मनाक घटना सामने आई है। मामला उस समय उजागर हुआ जब ग्राम खमरिया गुजर में रहने वाले उसके जीजा हलकेश परते ने अपनी साली फुलवती सल्लाम को पहले शादी कराने का बहाना बनाकर नरसिंहपुर ले गया और वहां उसे 40,000 रुपए लेकर एक युवक से शादी करा दी और शादी के बाद इस युवक ने उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे राहतगढ़ अपने मित्र के यहां छोड़ दिया। महिला को जब इस बात का आभास हुआ कि उसे बेचा जा रहा है तो उसने किसी तरह आधे गांव थाने में आकर पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला के जीजा हलकेश पट्टे राहतगढ़ निवासी दारा सिंह जाट और धर्मेंद्र जाट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आदेगांव थाना में एक मामला सामने आया है जहां जीजा ने अपनी साली को शादी कराने के बहाना बनाकर मामा के घर ले जाने की बात कहा और रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ भी की और फिर उसकी शादी नरसिंहपुर में 40,000 रुपए लेकर करा दी और बाद में इस शादी में सम्मिलित हुए। अन्य आरोपियों के यहाँ राहतगढ़ में महिला को ले जाकर छोड़ दिया। महिला की रिपोर्ट के आधार पर उसके जीजा हलकेश पट्टे धर्मेंद्र जाट और दारा सिंह जाट सहित 3 लोगों को मानव तस्करी की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कहाँ की लड़की थी आप लोग? कहाँ के हो? हमारी हो। और लड़की कहाँ की थी? अटारी की। है? अटारी। कितने में बेचा आपने? 40,000। कहाँ बेचे थे आपने? और कौन कौन साथ में आपके? कहाँ के रहने वाले हैं ये? लड़की आपके रिश्तेदार? कौन थी आपकी रिश्तेदार? साली। आदेगांव थाने में एक युवती 22 वर्षीय युवती है, उसको उसके जीजा के द्वारा शादी कराने के लिए अपने मामा के घर ले जाने का कहकर ले जाया गया और नरसिंहपुर में जाकर वहाँ पे किसी व्यक्ति के इससे उसकी शादी करा दी। इसके एवज में उसके द्वारा 40,000 रुपये प्राप्त किए गए, ऐसा आरोप यादिया का कहना है। उसके बाद शादी के उपरांत उसको राहतगढ़ सागर में छोड़ दिया गया। सूचना जब थाने पर प्राप्त हुई तो थाने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और विवेचना किया गया। प्राथमिकी किसके द्वारा दर्ज की गई? पीड़िता के द्वारा या पीड़िता के द्वारा ही उनके परिजनों के द्वारा लेख कराई गई है जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।